वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस, आई होप यू पीपल आर गेटिंग बेनिफिट्स। ये वीडियो को प्लीज अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए जरूर देखना। सो सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, कोई डॉक्टर नहीं हूँ, बट मैंने फिर भी काफी रिसर्च कर ये वीडियो बना रहा हूँ। सो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की है आपके लिए और अपनी फैमिली के लिए, आपके दोस्तों के लिए। सो प्लीज इस वीडियो को पूरी तरह से देखना ताकि आप अपने को बचा सके, अपने आप को, अपनी फैमिली को और अपने दोस्तों को बचा सके। सो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज है, इसको प्लीज स्प्रेड करना। वैसे मैं नॉर्मली नहीं कहता हूँ शेयर करने के लिए, लाइक करने के लिए, बट प्लीज इसको जरूर करना ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसको जो देख सके ताकि उनका फायदा हो सके। सो जैसे कि अभी करंट सिचुएशन चल रही है, आपको पता है कि किस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहा हूँ। सो नॉर्मली मैं उसका नाम नहीं लेता हूँ, उससे यूट्यूब को थोड़ा बहुत इश्यूज आ जाते हैं, तो मैं उसका नाम नहीं ले रहा हूँ, बट फिर भी मैं आपकी जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन दूंगा। सो जो भी अभी जो वायरस की इश्यू चल रहा है, जो भी इस टाइम जो हमारी प्रॉब्लम चल रही है, जो वायरस की हो रही है, उसको रोकने का जो सबसे बेस्ट तरीका है, खुद को प्रिपेयर करना ही जो है आपको बेस्ट तरीका है। सो दो तरीकों से आप अपने आप को स्ट्रांग करेंगे। सो बेसिकली क्या होता है कि जब हमें किसी भी तरह का इश्यू आता है, सो अगेन पूरा देखना, स्टिक करना, फिर आपको समझ आएगा। जो हमारा क्या होता है, हमारे में कुछ भी किसी भी तरह की जब कोई प्रॉब्लम आती है, नई तरह की प्रॉब्लम आती है, तो हमें जो प्रोटेक्शन देता है, जो हमारा इम्यूनिटी सिस्टम होता है, सो इम्यूनिटी हमारे अंदर एक ऐसी चीज होती है, जैसे कि हमारे देश के लिए हमारी सेना है, सो वो हमारे देश की इम्यूनिटी है। सो वो क्या करते हैं, किसी की तरह से प्रोटेक्शन करते हैं। तो जो हमारे अंदर भी होती है इस तरह की एक इम्यूनिटी पावर होती है, जो कि हमें स्ट्रांग बनाती है, जो कि हर तरह की हमें प्रॉब्लम से बचाती है। सो उसको स्ट्रांग करना है। सो दो तरीकों से उसको स्ट्रांग किया जा सकता है। सो जो सबसे जो इम्पोर्टेंट तरीके हैं, दो हैं। सो एक तो जो मेंटल लेवल पे, और सेकंड जो आपकी हेल्थ की और डाइट की जो वजह से आप उसको स्ट्रांग कर सकते हैं। सबसे पहले मैं डाइट के ऊपर बात करूंगा। देखो, जो इम्यूनिटी सिस्टम होती है, हमारी जो इम्यूनिटी है वो डिपेंड करती है हमारे विटामिन सी की कंजप्शन के ऊपर। विटामिन दैट हाउ मच अमाउंट ऑफ विटामिन सी इज कंज्यूम्ड एवरी डे। ओके, सो कितना विटामिन सी जो है आप उस लोग ले रहे हैं, आप उसको कंज्यूम कर रहे हैं। सो उससे क्या होता है, जो विटामिन सी है वो हमारी इम्यूनिटी सेल्स को बहुत ज्यादा स्ट्रांग कर देता है। सो ये किस चीज से आएगी? सो सबसे पहले जो चीज है विटामिन सी, लेमन बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स है। सो फर्स्ट पॉइंट है, जो लेमन आपने डेली बेसिस पर कंज्यूम करना है सुबह पानी में डालकर, और उसके अलावा ऑरेंजेस अगर आप चाहें तो ऑरेंजेस का जरूर यूज करें, एटलीस्ट 2 ऑरेंजेस रोज खाएं, उससे आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है। खुद भी खाएं, दूसरों को भी खिलाएं। अगर किसी को गिफ्ट देना है तो आप उनको 1 kg, 2 kg, 3, 4, 5 kg जो भी आप ऑरेंजेस दें उनको। सो इससे आपकी जो है आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी। अगेन आई एम नॉट अ डॉक्टर, ओके, आई एम नॉट अ स्पेशलिस्ट, दिस इज द इन्फॉर्मेशन दैट आई हैव कलेक्टेड। सो मैं नीचे कुछ लिंक दूंगा, कुछ ज्यादा अच्छे बंदे हैं मुझसे, बहुत ही ज्यादा, मतलब कम से कम 100 गुना ज्यादा अच्छे बंदे हैं जिनका मैं लिंक दूंगा, जो इस फील्ड के माहिर हैं, जो आपको जानकारी देंगे। सो प्लीज उनकी वीडियो भी देखना। उसके अलावा जो आप अदरक वगैरह है, अदरक को जरूर एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग जो इम्यूनिटी बूस्टर है, अदरक की चाय पीजिए, या फिर आप अगर चाय नहीं पीते नॉर्मली, आप क्या कर सकते हो, गर्म पानी में उबालकर उसको, जो आपका अदरक है उसका पानी का सेवन कर सकते हैं, उबालकर उसमें नींबू डाल सकते हैं, नींबू वगैरह, लेमन वगैरह आप ऐड कर सकते हैं। ये दो चीजें होगी इम्यूनिटी के लिए। उसके बाद जिंक एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो कि आपको चाहिए ही चाहिए। सो जिंक का क्या करना है, आपने बादाम ले सकते हैं और मे बी आप जिंक सप्लीमेंट भी यूज कर सकते हैं। अगेन डॉक्टर की रिकमेंडेशन लेना जरूरी है, सो आप उसको भी यूज कर सकते हैं। जिंक लेने के, जिंक आपको बादाम में जितना आपका हाथ है, सो एक मुट्ठी भर जो बादाम खाने हैं, सो जितना भी आपका आपके हाथ में आ सकते हैं। सो ऐसे नहीं खुले नहीं, सो ऐसे जैसे कि बंद कर, सो मे बी 25-26 आ जाएंगे। नॉर्मली आपने वो कंज्यूम करने हैं और उसको दो बारी में, मतलब उसको आधा आधा कर लो, दो बारी में कंज्यूम करो उसको। उसके बाद आप हल्दी का सेवन कर सकते हैं। हल्दी बहुत इंपॉर्टेंट, हल्दी एक ग्रेट अगेन इम्यूनिटी बूस्टर है। सो वन ऑफ द बेस्ट सोर्सेस ऑफ इम्यूनिटी बूस्टिंग सब्सटेंसेस है ये। सो उसमें से आप इसको भी यूज कर सकते हैं। सो इन चीजों का आप खुद यूज करें और दूसरों को भी दें। ओके, सो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमारे डाइट के बेसिस पर था। अभी आप हम बात करेंगे कि आप दूसरा जो तरीका था, जो इससे भी ज्यादा पावरफुल है, जिससे आपकी इम्यूनिटी बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी, जो आपकी विल पावर। ओके, सो विल पावर के बेसिस पर अगर आप ये कहेंगे कि मुझे तो कुछ हो गया है, नॉर्मली जुकाम बुखार चल रहा है आजकल, जैसे कि बहुतों को जुकाम बुखार हो गया, वो ऐसे ही सोचा हमें तो कोरोना हो गया। सो इस तरह की बात नहीं है कि आप कहें कि मैंने तो बस नॉर्मली जो क्या किया है, जुकाम बुखार हो गया तो मुझे तो बस अभी उठाकर ले जाएंगे। सो देयर इज नथिंग लाइक दैट। ओके, सो उसके जो सिम्टम्स होते हैं, अगेन उसकी वीडियो नीचे है जो बेस्ट एक्सपर्ट्स हैं। देखिए, इससे बचने का क्या तरीका है। सो नॉर्मली एक
बहुत दूसरी इम्पोर्टेंट बात करने जा रहा हूं मैं आपके लिए, बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या हुआ था, एक बार एक्सपेरिमेंट हुआ था कि किसी पर्सन को सजा दी गई थी। ओके, सो आई डोंट नो द कॉन्टेक्स्ट। उसको सजा दी गई थी, सो स्नेक के जरिए उसको सजा दी गई थी। सो वो बेसिकली एक टेररिस्ट था, पता नहीं कौन था, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। तो उन्होंने सांप का जहर निकाल लिया था। ओके, सो सांप का जहर निकालकर उसको जब डंग लगा, तो बेसिकली उसने क्या किया, जब उसको डंग लगा ना, तो उसका जहर तो निकाल लिया था, बट उस बंदे को लगा मुझे एक वैनम ने काट लिया है। तो उस बंदे को बताया गया कि वैनम के जरिए जो सजा दी, वैनम एक बहुत ही जहरीला सांप होता है, तो वो उसमें जहर नहीं था। ओके, सो बट फिर भी उसने क्या किया, वो इतना डर गया अपने मेंटल तौर पर, उसने इतना ज्यादा जो उसका असर हुआ मेंटली, उसने खुद को मुझे तो जहर लग गया, मुझे तो सांप ने काट लिया। तो उसकी जो बेसिकली क्या हुआ था, उसके अंदर उसके दिमाग ने अपने आप बहुत सारा जहर इकट्ठा कर लिया था। सो आप सोच सकते हो इतना ज्यादा जहर, जो जहर भी नहीं था, एक सांप इसमें जहर भी नहीं था, फिर भी उसकी बॉडी जहर की वजह से मर गई। तो आप सोच सकते हैं कि हमारा दिमाग जो है वो कितना पावरफुल है, वो चीजें भी क्रिएट कर सकता है जो हमारे पास, जो हमने नहीं किया। सो इसीलिए ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप पैनिक मत हो। अगर कुछ नॉर्मल जुकाम बुखार की दिक्कत है तो डॉक्टर के पास जाएं, सो वो आपको पकड़ कर कहीं ले नहीं जाएंगे। ओके, थर्ड जो इंपॉर्टेंट है, तो अभी हमारे पीएम सर ने भी, उन्होंने भी बताया कि आइसोलेशन की बात की है। मुझे एक बात बताओ, जब हम फिल्म मूवी वगैरह देख रहे होते हैं, कोई हॉरर मूवी देख रहे होते हैं, तो उसमें 3 बजे, रात के 3 बजे, जब पूरी तरह से चारों तरफ अंधेरा होता है, कुछ भी नहीं होता, तो रात को बाहर से आवाज आती है, तो क्या करता है वो बंदा, लालटेन उठाकर या टॉर्च उठाकर चला जाता है। और हमें शरिया पता होता है कि ये बंदा भी बचने वाला नहीं है। ओके, सो हम उसको क्या कहते हैं, कितना बेवकूफ बंदा है, इसको पता है कि सब मरने वाला है, ये खुद मरने वाला है। तो वो लालटेन लेकर बाहर जा रहा है, दरवाजा वगैरह बंद कर ले, सब कुछ बंद करके सो जाए आराम से। ओके, सो क्यों जा रहा है, हम उसको बेवकूफ बोलते हैं। बट हम खुद क्या कर रहे हैं, अभी हम कर रहे हैं कि हम कह रहे हैं कि कोई बात नहीं, चलते हैं, क्या फर्क पड़ता है, पार्टी करते हैं, 10-20 लोगों को के पास जाते हैं, अभी तो छुट्टियां हो पड़ी हैं, तो सब कुछ कर रहे हैं हम, तो उसकी क्या जरूरत है। फिर हम सोचते हैं कि फिल्म वाले लोगों को तो हम बेवकूफ कह रहे हैं, बट हम खुद क्या कर रहे हैं। सो जो भी इंस्ट्रक्शन आपको हमारे जो प्राइम मिनिस्टर दे रहे हैं, सो प्लीज उसको फॉलो करें। ओके, सो हमारे फायदे के लिए फालतू की चीजों पर मत ना ध्यान दें। मैं कुछ अगेन लिंक के डिस्क्रिप्शन में मैं कुछ चीजें बता रहा हूं, उसको जरूर फॉलो करें, इन लोगों को फॉलो करें। ज्यादातर लोग तो नेगेटिविटी फैला रहे हैं, बट ये चीजों का फॉलो करके हम बहुत ज्यादा अपने आप को बेटर कर सकते हैं। सो फर्स्ट थिंग इज दैट यू नीड टू इम्प्रूव योर डाइट। ओके, यू नीड टू इम्प्रूव योर डाइटरी हैबिट्स, यू नीड टू इंक्लूड विटामिन सी एंड जिंक एंड अदर सॉर्ट ऑफ सब्सटेंसेस दैट आई हैव जस्ट टोल्ड। ओके, द सेकंड थिंग दैट यू कैन डू इज to just stay calm. Okay, so don't worry about the fact that what is going on. Okay, so don't feel panic about that. So you don't have to panic. So just feel confident. Okay, so take care of your family, and social isolation is really important. Okay, so we need to isolate ourselves for a while, and this is going to give us rewards for sure. Okay, so make sure to follow all the tips that I have just given. Make sure to follow the links that I have mentioned in the description. And please share and please like the video so that many people can see this video, so that we can spread this message to most of the people so that they can just save themselves. Okay, so these are very simple things that you can do, and these are going to improve your life a lot. Thanks all. Hope this video was helpful. So stay healthy, stay fit, so stay away from